हेलो एवरीवन वन लॉयन हार्ट कीन लर्नर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है टुडे वी आर रीडिंग अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ लेसन नंबर फोर क्लास सिक्स्थ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नेम इज़ शोर्टिंग मटेरियल इन टू ग्रुप्स मींस हम लोग किस प्रकार से कैटेगरी वाइज कर सकते हैं हर चीज़ को और क्यों करना चाहिए हमें हर चीज़ को उनके समूह के आधार पे बांट देना चाहिए उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि आपने फर्स्ट पेज पे देख भी रहे हो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सी पे हार्डनेस पे डिपेंड करता है सॉफ्टनेस पे डिपेंड करता है तो ये सारे के सारे क्या हैं उस मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके आधार पे हम इनको बांट सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन नेम फाइव ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड पांच ऐसे पदार्थ या ऑब्जेक्ट्स बताएं जो लकड़ी से बनते हैं आंसर नंबर वन टेबल चेयर बेड डोर्स बुल्लो कार्ट एटसेट्रा और भी आपके चारों तरफ जो भी लकड़ी से बनाया सामान आपको दिखाई दे रहा है वो आप इसमें लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विद साइन ऑब्जेक्ट्स आर ग्लास बाउल प्लास्टिक टोय स्टील स्पून कॉटन सीट नाउ आंसर इज ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून यू नो वेरी वेल दीज ग्लास बाउल्स एंड स्टील स्पून आर वेरी रिफ्लैक्टिव मैटीयल वी कैन सी आवर फेस आल्सो इन दीज नैक्सट क्वेश्चन नंबर थ्री मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मैटीरियल फ्रॉम दे कुड बी मेड रिमेंबर ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं बुक टम्बलर चेयर टॉय शू मैटील्स लिखे हुए हैं ग्लास वुड पेपर लैदर प्लास्टिक तो हम इनको मैच करेंगे बुक का पेपर से टम्बलर का ग्लास से चेयर का वुड से टॉय का प्लास्टिक से और शू का लेदर से क्वेश्चन नंबर फाइव गिव बिलो गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। वाटर बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर सुगर ग्लोब एप्पल एंड अर्थन पिक्चर ग्रुप्स दैम एज ग्रुप दैम एज ए राउंड शेप एंड अदर शेप बी इटेबल्स एंड नॉन इटेबल्स आंसर नंबर ए जो भी आपको ऊपर फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर चीज़ें दी गई हैं उनको हमने ग्रुपिंग के आधार पर बांटना है तो आंसर नंबर फाइव ए राउंड शेप राउंड शेप में बास्केटबॉल ऑरेंज ग्लोब एप्पल एंड अर्थन पाउड Other shape may water and sugar. B. Eatables may water, orange, sugar and apple. Non-eatables may basketball, globe and earthen picture. So, non-eatables, basketball, globe and earthen pictures. These are the non-eatable things. Next. Question number 6. List all items known to you that float on water. Check and see if they will float on an oil or kerosene answer number 6 wooden block paper balloon hair plastic bottle wooden logs boards etc will float on water a few of these like hair balloon can float on kerosene oil generally substance have less density than oil and water can float for example few types of वाटर फ्यू टाइप्स ऑफ वुड हैव डाइनेस्टीज हाइयर देन ऑयल बट लेस देन वाटर सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर बट नॉट ऑन कैरोसिन सो वुडन ब्लॉक पेपर बैलून हेयर प्लास्टिक बॉटल ये सभी पानी पे फ्लोट यानी कि तैरते हैं इन में से कुछ चीज़ें हैं जैसे हेयर बैलून ये कैरोसिन ऑयल पे फ्लोट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए चेयर बेड टेबल बेबी कप बोर्ड बी रोज जैसमिन बोट मैरीगोल्ड लोटस सी एल्यूमिनियम आयरन कॉपर सिल्वर सैंड डी सुगर साल्ट सैंड कॉपर सल्फेट तो इनमें हम छांटेंगे ओड वन इनमें में सब मीन्स इस एक लाइन में कौन सा शब्द ओड है जो इनके साथ मैच नहीं करता सो so, ए में बेबी मैच नहीं करता कार्डबोर्ड टेबल बेड चेयर ये सभी वुडन ऑब्जेक्ट्स हैं बी बी में बोट इनके साथ मैच नहीं करता सभी फ्लावर्स हैं अदर्स सी सी में सैंड आयरन एल्युमिनियम कॉपर सिल्वर ये सैंड, एल्युमिनियम आयरन कॉपर सिल्वर ये सारे के सारे क्या हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स में से आते हैं बट सैंड इज़ द डिफरेंट वन नेक्स्ट सुगर साल्ट सैंड कॉपर सल्फेट इन में से सैंड इज़ द डिफरेंट वन ओड वन नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन वाट आर सोल्यूबल एंड इन सोल्यूबल सब्सटांसिस गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच सोल्यूबल सब्सटांस कौन से होते हैं इन्सोल्यूबल कौन से सोल्यूबल सब्सटांस के बारे में हम आंसर देंगे पहले मीन्स जो घुल सकते हैं सम सबस्टांसिस हैविंग कंप्लीटली डिसअपियर्ड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो घोलने पर गायब हो जाते हैं पानी के अंदर से मीन्स मिक्सअप हो जाते हैं अच्छी तरह से दैट वन इज अ सोल्यूबल सब्सटांसिस इन सोल्यूबल सब्सटांसिस वो सब्सटांसिस होते हैं जो मिक्स होने पे हमें दिखाई देते रहते हैं लेकिन अच्छी तरह से वो डिसपीयर नहीं होते सी इन पिक्चर वन शुगर प्लस वाटर एंड अदर वन इज़ सैंड प्लस में वाटर तो सैंड पार्टिकल्स can't disappear so sand is the insoluble substance next question number two what are soft material and hard material write two example of each soft material soft material se material which can be compressed or scratched easily called soft material like cotton spong is soft material see in the picture also uh, diagram also some soft material in front of you but cotton you know very well generally you are watching here and there b hard materials which are difficult to compress are called hard materials kathor jinhe kehte hum kathor padarth ji se bolte hum like iron and stone kuch sabhi jante achhe tarike se iron aur stone ke bare mein iron means loha stone means patthar next question number 3 name two material which can float जो तैर सकते हैं cotton and wood can float क्वेश्चन नंबर फोर नेम टू मटेरियल विच कैन सिंक इन वाटर जो डूब जाते हैं पानी के अंदर दैट वन आयरन एंड स्टोन दे कैन ईजली सिंक इन वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स एंड राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बी ट्रांसल्यूशेंट मटेरियल सी ओपेक मटेरियल आंसर नंबर फाइव सबसे पहले हम बताएंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल पारदर्शी जिनके आर पार हमें दिखाई देता है दोज सबस्टांस और मटीरियल थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीन ऐसा पदार्थ जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं जैसे ग्लास वाटर एयर एंड प्लास्टिक्स सम प्लास्टिक्स एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस ट्रांसपेरेंट मटेरियल ट्रांसल्यूशेंट मटीरियल मीन्स जिनके आर पर हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है मीन्स लाइट पास हो सकती है बट हमें दिखाई नहीं देगा अच्छी तरह से द मटीरियल थ्रो विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसपेरेंट मटीरियल रिमेंबर द ऑयली पैचिज़ ऑन पेपर एंड ग्राउंड ग्लास हमारे घरों में स्कूल में बहुत जगह पर ऐसा दिखाई ऐसा ग्लास लगा होता है जिसके चार आर पार हमें दिखाई नहीं देता बट लाइट चली जाती है दैट वन इज द ट्रांसल्यूशन मटीरियल सी ओपेक मटीरियल ओपेक मटीरियल मीन्स बिल्कुल जिसके अंदर से कोई लाइट पास नहीं होती कोई हमें दिखाई नहीं देता देयर आर सम मैटीरियल थ्रो विच यू कैन आर नॉट एबल टू सी हम देख नहीं सकते उसके आर पर दीज मटीरियल्स आर कार्ड ओपेक वुड कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटीरियल सम पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ यू ट्रांसल्यूशन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ट्रांसपेरेंट में से बिल्कुल सारी लाइट पास हो जाती है ट्रांसल्यूशन में सम लाइट्स आर एंड ओपेक में से नो लाइट्स पास नेक्स्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लोयन हार्ट कीन लर्नर्स and press bell icon for further videos. Okay.